हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन पेपर का नेम क्या है? कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड कोर्स नेम इज बीएससी जूलॉजी ऑनर्स एंड सेमेस्टर इज फोर्थ सेम एंड ड्यूरेशन हियर गिवन इज 3 आवर्स। But according to new guidelines of Delhi University, we have 3 hours 30 minutes to solve this question paper. तो ये है हमारा BSc Zoology Honors का Comparative Anatomy of Vertebrates का question paper। तो यहाँ पर कुछ guidelines given है। Attempt 5 question in all, including question number 1। 5 questions attempt करने हैं including question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। देन क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट वन इज सोलेनोसाइट, सोलेनोसाइट को डिफाइन करना है। सेकंड वन इज होलोब्रांगिल एंड थर्ड वन इज कार्नेशियल टूथ एंड थर्ड वन हो गया, फोर्थ वन इज प्लास्ट्रोन एंड फिफ्थ वन इज माइनिंग्स। एंड देन द बी क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंस बिटवीन बताना है इन दो में। तो इसमें कितने गिवन है? फर्स्ट वन इज मोनोकोंडाइलिक एंड डाइकोंडाइलिक स्कल, सेकेंड वन इज पॉलीफायोडोंट एंड डायफायोडोंट डेंटिशन, इनमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। थर्ड वन इज डक्टस कारोटीसस एंड डक्टस बोटेली, इनमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। एंड फिफ्थ वन इज मेलिबोमैन एंड सेरोमिनस ग्लैंड एंड फिफ्थ वन इज ट्रू हॉर्न्स एंड एंटलर्स, ये हमें इनमें डिफरेंस बिटवीन बताने थे। देन सी, पार्ट सी इज गिव द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब के लोकेशंस बताने हैं। तो फर्स्ट वन इज एसिटाबुलम, सेकंड वन इज स्क्रोल वॉल, थर्ड वन इज इटर, फोर्थ वन इज विब्रिसे एंड फिफ्थ वन इज अस्टेनियन ट्यूब, सिक्स्थ वन इज पेसेनियन कॉर्पोसेल्स, सेवन्थ वन इज रेड ग्लैंड एंड देन डी पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो डी पार्ट में हमें गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें बताने हैं। तो फर्स्ट वन इज फ्लूइड प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द ब्रेन इज नोन एज, जो ब्रेन के अंदर कैविटी है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं। सेकंड वन इज फ्यूज्ड कॉडल वर्टिब्रे इन बर्ड इज, बर्ड्स के अंदर जो कॉडल वर्टिब्रे होता है वो फ्यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं। एंड देन थर्ड वन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरोन सिस्टम, न्यूरोन सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है, ये तो शायद आप सबको ही पता होगा कि न्यूरोन्स होता है नर्व सिस्टम का फंक्शनल यूनिट। देन फोर्थ वन इज पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नैक इज मॉडिफाइड, जो पॉइजनस ग्लैंड है स्नैक का वो किस में मॉडिफाइड हो जाता है। देन फिफ्थ वन इज ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ बर्ड इज नोन एज, जो बर्ड का ग्लैंडुलर पार्ट होता है स्टमक का वो किस नाम से जाना जाता है। देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ट्रेस द इवोल्यूशंस ऑफ हार्ट इन वेरियस ग्रुप ऑफ वर्टिब्रे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम के हेल्प से हमें जो वेरियस ग्रुप्स हैं वर्टिब्रे का उसमें हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो बताना है हमें इसमें। एंड देन थर्ड पार्ट इज द थर्ड क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द सक्सेशन ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में किडनी का सक्सेशन कैसे हुआ वो बताना है। एंड सपोर्ट योर आंसर विद वेल लेवल डायग्राम्स, और आंसर को सपोर्ट करने के लिए हमें वेल लेवल डायग्राम्स भी बनाने हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन में 2 parts given है। तो ए पार्ट क्या है, डिस्कस द फेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड विसरल आर्क ऑफ वर्टिब्रेट, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो फर्स्ट एंड सेकेंड विसरल आर्क होता है उसके फेट को डिस्कस करना है। एंड फोर्थ का जो बी पार्ट है वो है
justify the statement that integument is jack of all trades. जो integuments होते हैं, integumentary system में आपने पढ़ा ही होगा, तो जो integuments हैं उनके jack of all trades के बारे में हमको statement को justify करना है. Then अब आ जाते हैं 5th question पे. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं. वैसे मैं इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप इजीली इस पीडीएफ को व्यू कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो ये 5th क्वेश्चन क्या है, 5th में भी दो पार्ट हैं. ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ एयर सैक इन बर्ड. बर्ड का जो एयर सैक है उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है. देन इसका जो बी पार्ट है वो है डिस्क्राइब रेस्पिरेशन इन एम्फीबिया. एम्फीबिया में रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करना है. एंड द 6th क्वेश्चन इज, इसमें भी टू पार्ट्स हैं, तो पार्ट ए है व्हाट इज रिसेप्टर. रिसेप्टर क्या होते हैं, क्लासीफाई देम विद सुटेबल एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से उनको क्लासीफाई करना है. एंड देन बी पार्ट इज व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ यूट्री इन मैमल्स. मैमल्स में अलग अलग टाइप के जो यूट्री है वो बताना है. एंड देन 7th क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द 3 इन दिस फॉलोइंग. इन ये जो गिवन है नीचे, इनमें से किसी भी 3 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. तो फर्स्ट गिवन है टाइप्स ऑफ फैदर. फैदर के टाइप बताने, जैसे कि कॉन्टोर फैदर. कॉन्टोर फैदर वैसे तो आप जानते हैं कि ये बर्ड्स को शेप एंड कलर देने के लिए यूज होता है. एंड देन सेकेंड वन इज क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स. मैमल्स में जो क्रेनियल नर्व्स है वो डिस्क्राइब करना है. एंड देन रूमिनेंट स्टमक. थर्ड वन इज रूमिनेंट स्टमक. रूमिनेंट स्टमक पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ सेंट्रम. कितने टाइप के सेंट्रम होते हैं वो बताना है. ये था कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. अगर आपको और भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अपना सब्जेक्ट एंड कोर्स नेम पेपर नेम कमेंट करके बताइए. इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस पीडीएफ का लिंक. आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी नीडफुल बच्चों की हेल्प हो सके. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबा लें. थैंक यू.